को याद ही होगा जब मैं एटीके मोहन बगान के मैच के लिए गई थी और मेरे यहाँ पे पेंट लगा दिया था। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी इस चीज के बारे में बताया था। I got scammed again. We'll just get right into the video, but before that, let me just tell you that this video is sponsored by One Football app. One Football is my go-to app whenever I need to know anything related to world football. So in case you want to follow a particular club, a player, or maybe you know read latest articles related to football, obviously you can get everything on the app. So don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड, यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। तो मैं इंडिया वर्सेस हांगकांग देखने गई अगेन। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब हर मैच में जब भी मैं जाती हूँ ना, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करने को मिलता है। मुझे लगता है कि यार अब अगली बार क्या जाना, चले तो गए थे, वही सेम चीज़ होगा, बट नहीं, एवरी टाइम आई गो इट्स समथिंग डिफरेंट। तो इस बार क्या होता है मैं तुमको सारी स्टोरी बताती हूँ, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सो मच फन, क्योंकि अगेन बहुत कुछ डिफरेंट, नया, ताज़ा सब कुछ हुआ। तुमको मैं एक चीज़ बताती हूँ, कल जो कुछ भी गलत हो सकता था ना, वो मेरे साथ हुआ। सबसे पहली चीज़, जो ऊबर वाले भैया थे उनको मैंने बोला, भाई इस गली में मत घुसाना, क्योंकि ये ना कार फंसेगा और मेरे को आज स्टेडियम जल्दी पहुंचना है। वो इसलिए क्योंकि मुझे ना बाहर के सीन्स कैप्चर करने थे सारे। भैया बोले कि टेंशन नहीं है, हम निकाल लेंगे और घुसा ली कार अंदर। क्या बोला, क्या था मैंने, फंसेगी, फंस गए हम वहीं हम 20 मिनट्स बैठे रहे। तो पहली चीज़ ये हुई। देन कार में बैठे बैठे ही आई गॉट लेट, आई रियलाइज मैं अपना स्पेक्स लेके आना भूल गई हूँ। भाई मुझे नहीं दिखता है, आई नीड माई स्पेक्टिकल्स एंड आई फॉरगॉट टू ब्रिंग दैट, एंड आई एम लाइक भाई कैसे देखूंगी मैच। बट देन आई थॉट कोई बात नहीं, लेट्स नॉट स्पॉयल द मूड एंड मूव फॉरवर्ड। जैसे मैं वहाँ पहुँची, इतना ट्रैफिक हो गया था कि आई गॉट रियली लेट। ठीक है, तो फिर क्या होता है ना, मैंने पेंट वाले भैया को बोला कि आप मेरे पेंट लगा दीजिए। अब स्कैम ये नहीं है कि पेंट वाले भैया ने खुद ही चक के पेंट लगा दिया, मुझे पता था ऑब्वियसली सीन क्या है। उन्होंने मेरे को पेंट लगाया, डन, एवरीथिंग इज़ फाइन, डन हो गया। जब मैं घर आई ना वापस, वो पेंट उतर ही नहीं रहा था। मैंने 10 बार फेस वॉश किया, मतलब सारा कुछ उतर गया। जो इंडिया का वो बीच में चक्र होता है ना, वो चक्र ब्लू कलर का होता है, तो वो जब बनाया वो डॉट्स दोनों साइड थे। मैं सुबह उठी, दोनों साइड डॉट्स में फिर से लगी हुई धोने के लिए, तो फिर जाके वो गए, वरना आई वुड हैव हैड अ प्रूफ। यहाँ दोनों साइड ब्लू कलर का डॉट था। दैट वॉज द स्कैम बाय द वे। अब मूड तो खराब हो ही गया था, मैंने सोचा चलो अभी भी टाइम है अंदर जाने का, इवन दो आई न्यू मुझे आगे जाके सीट्स नहीं मिलने वाले, पीछे ही मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट मैं बाहर थोड़ा सा सीन कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये वाला सारा पूरा माहौल चल रहा था बाहर। As you saw, it was crazy. The roads were crazy, people were crazy. Like just being there in that moment gives you goosebumps. इतना ज़्यादा मज़ा आता है यार स्टेडियम के बाहर, by God. उसके बाद जैसे तैसे करके हम लोग अंदर गए, ठीक है, अंदर गए। मेरे को लगा ठीक है यार, जहाँ पे भी मेरा सीट है, पहला वाला तो नहीं लिया था जो नीचे वाले रोज होते हैं, वहाँ तो मैंने नहीं लिया। जब ऊपर गए वहाँ पे भी ना सब बंद था, मैं सोचूँ ये क्या हो गया। फिर एकदम ऊपर गए, देन आई रियलाइज जो मेरे सीट्स थे वो थे एकदम टॉप ऑफ द स्टेडियम में, जब बिल्कुल एंड में जाके थे। एंड मैंने आज तक उस वाले यू नो रैंप पे मैच नहीं देखा, उस वाले ब्लॉक में मैच नहीं देखा। मेरा फिर मूड ख़राब हो गया कि पहले ही मैं स्पेक्स नहीं लेके आई, फिर से मैच इतना पीछे देखूंगी, कुछ नहीं दिखेगा। और मेरा इतना सही में मेरे को लगा कि यार आज मेरे को व्लॉग बनाना ही नहीं है, सही बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल मूड ठीक नहीं था। फिर जाके इतना पीछे सीट्स मिला, मैं बस 2 मिनट के लिए आगे गई, थोड़ा बहुत सीन्स कैप्चर किए कि देखो यहाँ से कितने सारे लोग दिखेंगे तुमको हर जगह से, यू कैन सी दैट यू नो एकदम क्लियरली, कितना रश था यार, इतना रश था वहाँ पे बाय गॉड। तो मैं वापस आके बैठ गई, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन तुमको मैं एक चीज़ बताती हूँ, हमेशा ना विश्वास रखो, फेथ रखो, क्योंकि जो होता है ना कोई रीज़न के लिए हो रहा है, और कल वही हुआ। मैं सही में पूरा टाइम समझती रही कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भगवान ये सब, मतलब थोड़ा तो मुझे यू नो ब्रेक दो ताकि कुछ अच्छा हो जाए। अब मैं तुमको बताती हूँ क्या हुआ। सी एज अ फुटबॉल फैन मैं वहाँ बैठी हूँ कि चल ठीक है देखा जाएगा, और मैं कैसे मैच देख रही हूँ बाय द वे, मैं फ़ोन से मैच देख रही हूँ जूम करके प्रॉपर कि चल क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पे नेट चलता ही नहीं है ना, तुम किसी को कॉल कर पाते हो, नेटवर्क आता ही नहीं है वहाँ पे। तो फिर क्या होता है ना, मैं जूम करके ऐसा वीडियो देखने की कोशिश कर रही हूँ अपने फ़ोन से ही, एंड रिकॉर्ड भी दबा दिया। जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही गोल हो गया, एंड आई वॉज बैक इन द गेम, एंड आई एम लाइक भाई अब तो हो गया।
बिकॉज यू नो मी, आई एम लाइक ऑलवेज स्क्रीमिंग. जैसे वो फर्स्ट गोल होता है, आई न्यू आई एम बैक इन इट, आई वॉज बैक इन फॉर्म एंड आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस वो फर्स्ट मिनट में ही जब गोल हो गया, आई वॉज इन टू इट. उसके बाद तुमको पता ही है भाई, अगर मैच का तुमको एंजॉय करना है ना, देन बी इन द क्राउड, बी विद द क्राउड एंड डू वॉट एवर इज हैपनिंग इन द इंटायर स्टेडियम. अब जो तुमको मैंने बताया कि एक बहुत ही मैंने नया चीज़ एक्सपीरियंस किया, वो था बारिश. ऑब्वियसली बारिश पहली बार एक्सपीरियंस नहीं की, छोटी बच्ची थोड़ी हूँ मैं. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैंने बारिश स्टेडियम में पहली बार ऐसा देखा, किस तरीके से एक्सपीरियंस किया. मैच में हमेशा देखते थे कि हाँ यार बारिश वारिश चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब तुम वहाँ पे होते हो एज अ फैन, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. तुम जैसे स्क्रीन पे देख ही सकते हो किस तरीके से बारिश हो रहा था. यस, तुमने कल मैच देखा है और तुमने वो प्लेयर्स को देखा होगा जिस तरीके से बारिश पड़ रही थी, बट फैंस का एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट. मैं तुमको बता रही थी ना कि कैसे सब कुछ खराब हो रहा था, एंड आई वाज क्वेश्चनिंग भगवान की मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. नाउ लिसन टू दिस, थैंक गॉड कि मेरे को पीछे सीट मिला, क्योंकि जहाँ पे मैं बैठी थी ना वहाँ पे ऊपर स्टेडियम का रूफ था, तो बारिश हमारे ऊपर डायरेक्टली पड़ी ही नहीं. तो अगर मुझे आगे सीट्स मिलते, वो नीचे वाले रैंप पे मिलते, बिल्कुल भीग जाना था पानी में. तो इट वॉज सच अ थिंग एंड आई रियलाइज इट इंस्टेंटली. भगवान की आप मतलब सही में थोड़ा फेथ रखो, थिंग्स विल वर्क आउट इवेंचुअली, मतलब हो जाएगा. सो देन अगैन आई वॉज लाइक हाफ टाइम में कि यार सही में मैं कैसे क्रिटिसाइज कर रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन देन आई फेल्ट सो गुड. अभी जैसे तुम देख सकते हो कि फैंस कैसे पीछे जा रहे हैं, यू नो, पीछे खड़के देख रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था. बट कुडोज टू दोज पीपल जो आगे भी थे, जो नीचे भी बैठे थे वहाँ पे, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट यू नो पीपल लेफ्ट द स्टेडियम. वो चाहे भीग रहे थे, चाहे जो भी था, दे वर देयर टू सपोर्ट द टीम. भाई ये पैशन मैंने पहली बार देखा, बाय गॉड मैंने पहली बार देखा. सीट्स गंदी हो रही हैं, गीली, तुमको पता है ना जब गीला हो जाता है सब कुछ तो कैसा गंदा गंदा सारा कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो एकदम वैसा हो गया था. लेकिन पीपल वर देयर, दे वर देयर टिल द एंड एंड दैट वाज जस्ट सो गुड. तुमको पता ही है जो भी मेरे नेसेसरी क्लिक्स होते हैं, वॉट एवर आई हैव टू डू इन द स्टेडियम, द वाइब एंड एवरीथिंग, आई वॉज इन इट एंड यू नो आई वॉज लविंग इट. अरे एक और सीन हुआ था ना, तुमने शायद देखा होगा कि एक फ़ैन एकदम ऐसा पिच के अंदर घुस के क्रॉस करके, वहाँ सुनील छेत्री बैठे थे बेंच पे, उनके साथ सेल्फी लेके वापस से पिच पे आके उसको फिर सबने पकड़ा कि ये क्या कर रहा है, वो पिच इन्वेट कर रहा था वैसा करके, एंड उसको लेके जा रहे थे ना बाहर. तो क्या हुआ, जैसे तुम ये लगाओ कि ये ग्राउंड है, उसको लेके जा रहे थे, वो यहाँ पे आया, पहले वो यहाँ से घुमा के उसको यहाँ लेके जाना था, मतलब सोचो ऑलमोस्ट पूरा पिच ही कवर करना था उसको. तो वो जहाँ से भी क्रॉस कर रहा था ना, हर जगह ही फैंस बैठे थे, सारे फैंस ओ उसको क्लैपिंग कर रहे हैं कि भाई तूने क्या किया, तुम देखो, लाइक आई रिकॉर्डेड दैट लिटरली. लेकिन मैंने लास्ट गोल नहीं देखा, वो इसलिए जैसे मैंने बताया मैं बिल्कुल पीछे बैठी थी और मुझे लगा यार आई विल बी स्टक हियर,
एंड इसलिए मैं थोड़ा सा ना जल्दी निकल जाती हूँ. लास्ट का मिनट बचा था व्हेन आई वेंट, जब यू नो एक्स्ट्रा टाइम ऐड किया गया उसी टाइम मैं उठ के गई वहाँ. एंड जैसे ही मैं नीचे जा रही थी पीपल स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड आई एम लाइक डैम इट, गोल हो गया यार. मतलब इतना मेरे को गुस्सा आया कि यार मैं अभी निकली थी, अभी तुमने गोल कर दिया. लाइक चलो कोई बात नहीं. फिर मैं नीचे आई एंड तुमको मैं बताती हूँ क्या हुआ ना. मैं वहाँ पे नीचे वेट कर रही थी, जीशान वगैरह ने भी आना था, सो यू नो वी हैड टू मीट एंड ऑल. एंड मैं इतने फैंस को मिली पहली बार, पता पीपल वर रिकॉग्नाइजिंग मी. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. तो मेरे पिछले वाले व्लॉग में ना लोगों ने नीचे लिखा कि उन्होंने मुझे देखा था बट दे गॉट नर्वस. आई टेल यू सेम फीलिंग मेरे अंदर भी थी. इवन आई वॉज वेरी नर्वस टू मीट एवरी वन. वो इसलिए क्योंकि तुम मुझे एक पर्टिकुलर तरीके से देखते हो यू नो थ्रू दिस फोन, बट इन रियल लाइफ वॉट इफ यू नो आई एम नॉट एबल टू पास द एक्सपेक्टेशंस दैट द फैंस माइट हैव एंड एवरी थिंग, यू नो द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज माइट हैव. तो दोनों साइड से नर्वसनेस रहता है, सही में बता रही हूँ पता. तो इसलिए कल क्या हुआ, कुछ लोग मुझे इंडिकॉप इंडिकॉप बुला के मतलब दे वर टेकिंग फोटोज. सो मेरा बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीपल वर रिकॉग्नाइजिंग दैट एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फीलिंग. तो आई थॉट दैट आई नीड टू शेयर दिस विद यू बिकॉज इफ यू आर शेयरिंग दैट यू वर नर्वस, सो आई वॉन्ट टू शेयर टू दैट आई वॉज नर्वस एज वेल. हम लोग सब मिले एंड हम एक, तुमने अगर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते हो तुमने देखा होगा हमने मस्त रील ट्राई किया था विच जीशान वॉजंट रियली इन टू इट बिकॉज ही सेड आई कांट डांस, बट आई वाज लाइक चल यार करते हैं, मतलब मज़ा आएगा. एंड वी मेड दैट आफ्टर 4-5 takes. आई थिंक इट टुक 4-5 takes फॉर अस टू डू दैट एंड इट वॉज रियली गुड. मेरे को तो मज़ा आया. आई एम राइट आउटसाइड द स्टेडियम, दिस इज सॉल्ट लेक स्टेडियम एंड आई एम हियर एंड जीशान इज रिकॉर्डिंग हिज रील देयर, हिज वीडियो देयर. आई थॉट मैं भी यहाँ पे कर लेती हूँ, दैट्स बेटर, अच्छा एक लुक आएगा. ये गेट है सॉल्ट लेक का, क्या कर रही हूँ मैं. एनी हाउ इतनी बारिश हुई, तुमने ब्लॉग देख लिया होगा. टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो किसने क्या गोल किया, जस्ट नो एक सुनील छेत्री ने गोल किया. 4-0 मैच एंड हुआ क्योंकि मैं बहुत पीछे बैठी थी, देख कुछ रहा नहीं था, ऊपर इतनी बारिश हो रही थी. मज़ा आ गया यार, फिर से मज़ा आ गया एंड आई लव दिस, यू नो इतना मज़ा आता है. आज तो मैंने खुद पे ही रंग लगवा लिया, मतलब भैया कर दो आज तो कर दो. 50 rupees बोला, मतलब मैं नहीं दे रही 50 rupees, 30 rupees में लगाओगे, कहता 50 rupees में दोनों गाल, मैंने बोला दोनों 30 में, तो मान गया. सो आई हैव लर्न्ड हाउ टू बार्गेनिंग. पुलिस आ रही है उधर से, मैं जा रही हूँ, ठीक है बाय. अभी तक मैंने 3 matches देखे हैं स्टेडियम में और तीनों के तीनों मैचेस में मेरा विन रिकॉर्ड रहा है. मतलब ठीक है भाई, मैं जा सकती हूँ, मैं ठीक हूँ. वरना वो नहीं होता है कि वो सुपरस्टिशन वाला चीज़ दिमाग में आ जाता है कि यार मेरी वजह से तो नहीं हार रहे वैसा करके. सो आई एम हैप्पी कि वो मेरे लिए नहीं हो रहा है अभी तक. चलो थैंक गॉड, थैंक गॉड. एंड वी मूव फॉरवर्ड, इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है. नाउ वी आर इन टू AFC एशियन कप जो कि अगले साल खेला जाएगा. बहुत बड़ी अचीवमेंट है. मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था जो मैंने कंबोडिया के अगेंस्ट बनाया था कि तुमको पता है हमको ये ग्रुप टॉप करना ही है, चाहे जो हो जाए करना है, पर हम इस तरीके से करेंगे ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था. And I'm happy with the way it has happened. There were many people who wrote in that video in the comment section that तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो, कंबोडिया के अगेंस्ट ही हारे. और मैंने बोला था कि चाहे किसके अगेंस्ट भी हम लोग जीते हों, वी प्लेड अ गुड गेम एंड देन दे प्रूव दैट अगेन अगेंस्ट अफगानिस्तान. फिर हांगकॉन्ग के साथ तो भाई स्टेटमेंट सेट किया था, मतलब डिंट एक्सपेक्ट दैट द वे इट हैपेंड एंड जस्ट सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड आई फील दैट विद द वे थिंग्स हैव बीन हैपनिंग लेटली. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट. आई नो यू वर वेटिंग फॉर दिस वीडियो सुबह से, या मेरे को ऑफिस जाना था कल रात. मैं घर पहुँची हूँ 12:30 तक घर पहुँची हूँ स्टेडियम से एंड देन आज सुबह ऑफिस जाना था तो एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं लगा. ये भी मैं ऑफिस से आके रिकॉर्ड कर रही हूँ. अभी आई विल एडिट इट देन आई अपलोड इट एंड आई होप दैट आई डू इट टू नाइट. लेट्स सी. Thank you so much for watching. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.